आहिस्ता पकड़ना ठीक है ना। आयुष बस बस निकल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक मिनट। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ना यार, आज मैं रात को अच्छी तरह से सो नहीं सकी, बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं सो सकी, क्योंकि ना मेरे कान में ना बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है इस वाले में, क्योंकि ये करवाई थी ना पायरसिंग, तो इसमें इतना दर्द नहीं है, लेकिन इस वाले में बहुत ज़्यादा दर्द है। और ना ये खाट इस वजह से ना मेरे पानी आ रहा है मेरे मुँह में, मुझसे सही से बोला नहीं जा रहा, तो मैं सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, वरना मेरा दिल करा कि ये बंद कर दूँ। ये इसलिए इसको मेरा दिल करा निकाल दूँ, वो इसलिए क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ना वो इससे मतलब ज़्यादा है इसका, और इसका जो है ना ये कम है, मतलब इसका डिफरेंस कम है और इस वाले का ज़्यादा है, इस वजह से मेरा दिल करा कि ये वाला निकाल दूँ, क्योंकि इतनी सी भी ऊंच नीच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, ना किसी और चीज़ में, ना इस मामले में, ना किसी और मामले में। तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं निकाल दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे निकालूँगी कैसे निकालूँगी, बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो ना यार, लेकिन निकालना तो पड़ेगा अब इसको, तो ना निकाल देती हूँ इसको। ना निशा को कहती हूँ वो मेरी हेल्प कर दे कि मैं बेहोश ना हो जाए, मैं मरमरा ना जाऊँ कहीं। और ना यार, आज का मौसम अच्छा है, मतलब है गर्मी है, खुद ही गर्मी है, लेकिन ना हवा चल रही है और देखो धूप भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन हवा चल रही है, इस वजह से मौसम अच्छा है। मतलब कितनी ज़्यादा हो गई है, ये पिंक हो गया, क्योंकि ये पिंक थी ना, पिंक पिंक पिंक, ये खा लो जुबान पिंक हो जाएगी, होंठ भी पिंक हो जाएंगे, मज़े कुछ लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं शीशे में देखो, हाँ ये तो बहुत पिंक हुई हुई है। और ना मम्मा घर की सफाइयाँ, क्योंकि ईद ईद की तैयारियाँ हो रही है ना, घर की सफाइयों पे लगे हुए हैं, और मुझे भी कह रही हैं चलो चलो काम करवाओ मेरे साथ। हाँ तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर तक करते हैं, और ना फिर ये व्लॉग हो सकता है मैं ईद के बाद अपलोड करूँ, क्योंकि मैं कुछ व्लॉग्स ऐसे बनाए हुए हैं जो मैंने ईद के बाद अपलोड करने हैं, क्योंकि ईद के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी, तो मुझे व्लॉग नहीं बनेगा, इस वजह से मैं वो मैंने स्टोर किए हुए हैं, ताकि मतलब मुझे कोई टेंशन ना बने, ताकि मैं ईद के बाद वो अपलोड कर सकूँ। तो क्योंकि ईद के बाद हमारे आ जाने गेस्ट, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा व्लॉग बनाने का, क्योंकि जो गेस्ट आने हैं उनके साथ बच्चे भी होने हैं, तो मतलब यार मेरी हो जानी है, और इस वजह से मैं पहले ही ऑलरेडी व्लॉग बना के रखे हुए हैं, तो वो मैं बाद में अपलोड करूँगी कुछ, लेकिन ये सारे ईद के पहले, वो तो मैं डेट डाल देती हूँ, आप लोगों को पता तो चल ही जाता होगा ये कौन सी डेट का व्लॉग है, तो बस आप लोग समझ आया करो, ठीक है, ओके ओके। और ये देखो मैंने नेल पेंट का कलर ये वाला लिया था, अच्छा लग रहा है, देखो कमेंट में बताओ, फिर से वैसे कर रही हूँ कि अपने बूथा भी आगे कर जा रही हूँ, अच्छा ये देखो कमेंट में बताओ कि ये वाले नेल्स अच्छे लग रहे हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है, कमेंट में बताओ, ओके बाय बाय थोड़ी देर के लिए। अभी इसको निकालते हैं, यार मुझे समझ नहीं आ रही कैसे निकाल, मैंने ये निकालने हैं, मेरी हेल्प कर दो यार, मैं भी होश नहीं होती, बस थोड़ा सा अगर चीख चूख मार ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन होश नहीं होती। निशा तुम आओ ना यार मेरे साथ, थोड़ी सी हेल्प कराओ ना निशा, ये निकालने में प्लीज, फिर इसको दोबारा सिलवाऊं, देखो कितनी ब्रेव लड़की मैं।
काफ़ी है, मुझे बुरा लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा फर्क है ना। फिर मुझे सारी ज़िंदगी यही होता रहेगा, ये ऊपर है ये नीचे है, फर्क तो काफ़ी है ना। हाँ मुझे फिर दर्द सहना पड़ेगा। नहीं नहीं वो मैंने बिल्कुल वो सेट करके इसको देखा है, मैंने ऐसे इसको ऐसे करके बिल्कुल मैंने इसको नापा है ऊपर ही है हमारी ना। हम ना रेड के कोई 100 शेड्स पहचान सकती हैं, तो ये तो ऊपर और नीचे है, इतना फासला है, ये पता नहीं चलेगा हमें है ना। नहीं रेड और क्या, रेड के इतने शेड्स होते हैं पता है। नो कुछ न्यूड होते हैं, ब्लू भी पिंक ही होते हैं, नहीं पिंक भी ब्लू ही होते हैं, ब्लू सा यार ऐसा तो मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज यार। मैं इधर बैठ जाती हूँ ताकि मैं बेहोश बेहोश हुई तो इधर मैं ऐसे लेट जाऊँगी। ठीक है यार तुम लेके भी किसको आई हो जो कत्ते कत्ते इधर ही लोग ना, और लेके भी निशा को आई हूँ जो खुद ही जो बेहोश हो जाए निकालते निकालते। क्या मतलब आप बंद कर रही हो इसको कान को? क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे है यार, पकड़ के पीछे से उसको निकाल ले। आहिस्ता पकड़ना ठीक है ना, सुनाती हूँ पीछे से इसे घुमाना है। नहीं नहीं पीछे से वो जो है ना उसको ऐसे करके निकालना है। क्या मतलब मुझे अब बंद चले ना ये पीछे नहीं उसको खींचना बस। हाँ इसके पीछे जो नट्स है ना उसको बस ऐसे पीछे से पीछे सीधे। हाँ सीधा ही बस ठीक ठाक ही। हाँ सूजा हुआ है मेरे कान पीछे हो ना थोड़ी सी लो निकाल। वो करी ऐसे रहना है इतने एहतियात निकालना यार निकालना है। तो तुम डराती हो अगले बंदे को भी जैसे पता नहीं कितना दर्द हो रहा हो। नहीं डरा रही नहीं सच्ची नहीं डरा रही मैं खुद भी निकालती रही उसको चाहिए तो बताओ कैसे बदिया निकालते हैं नट को कैसे करने पीछे से। क्या मतलब इसने निकाला नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा नहीं निकाला शकीब निकाल तो रहा है। ओ वाह ये तो निकालना कोई काम ही नहीं है। काम है लेकिन उसके लिए नहीं। मुझे तो लगा कि ये निकला ही नहीं है ये इसकी स्टॉपिंग। बस निकल गया। देखो ना वो जो मम्मा ने लगाया था बंद हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा अभी अभी के अभी हो जाने से। मुझे पता था आपने ये कहना लेकिन नहीं यार फिर जो फिर दोबारा से होगा ना तो फिर परमानेंटली होगा तो फिर
पछतावा नहीं ना मतलब हाँ बिल्कुल हाँ फिर मुझे थोड़ा सा ऊपर है या नहीं कि मैं ये ऊपर था ये नीचे मतलब कि मैं मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से हाँ फील हो रहा है ऐसा दिमाग में लग नहीं ये का सुराह है इधर वो बंद हो रहे हैं ना इस वजह से देखो बंद हो रहे हैं हाँ वो साथ साथ जुड़ रहे हैं ना उसके सेल्स ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं साथ साथ ऐसे ये अपनी जगह पे आएगा अभी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे ना नहीं डलेगा ये नहीं अब नहीं डलेगा चलो यार ये फाइनली निकल गया है और उफ अल्लाह ये बहुत मुश्किल से अभी ना मुझे दर्द हो रहा है यार हमारा लेटर थैंक यू शकीब थैंक यू सो मच यू डिड गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब चलो जी अब ये अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं बचेगा मेरा बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा ये इतना नुकीला भी तो नहीं है सुई की तरह सुई की तरह इसी के साथ वो करते हैं हाँ इसी के साथ ही करते हैं वो अंदर देखो 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 गाइस देखो कितना मोटा ही है ये देखो नज़र आ रहा है आपको थोड़ा सा ऐसे ही करो ना दिखाओ इस तरह से आएगा नजर उनको यार मैं तो अच्छी व्लॉगर ही नहीं बन सकी अभी तक हाँ नजर आ रहा होगा अब तो बिल्कुल सही हाँ चलो जी अभी मैंने कोई चीज़ दिखानी हो ना मैं कैमरा ही आगे कर लेती हूँ अभी ना मैं अम्मी जी को बता के आती हूँ कल हमारे काल वो कान हमारे बन रहे थे निशा और अम्मी जी कह रहे थे दर्द तो मुझे हो रहे चलो अभी अम्मी जी को बता के आते हैं कि मम्मा मैंने ये कारना मन जान दे दिया है मम्मा मम्मी मम्मा वॉशरूम में चलो जब आएंगे ना फिर दिखाऊंगी अभी तक मैं शीशे में देखूँ इधर इधर वाले बड़े मिरर में देखूँगी अपना थोड़ा घर से निशान लगा के जाऊँगी अब आएगा है ना अब जो करवाना है ना हाय मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा कान ही टेढ़ा हो गया इधर से मेरा कान ऐसा तो नहीं था बेचारा स्वेल हो गया मुझे लगा शायद टेढ़ा हो गया देखो मेरा कान मुझे मेरे कान बहुत अच्छे लगते हैं यार गाइस छोटे छोटे से बेचारे नन्हे मुन्ने से ये वाला कान जो है ना ये अच्छा लग रहा है यार इसको नहीं दर्द हो रही इसको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा हाय इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया था ये स्वेल हो गया और ये कैसा अजीब सा लग रहा है मेरा कान लग ही नहीं रहा कि ये मेरा कान है देखो ब्लड भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं छुटकारा तो मिलेगा ना इससे रिग्रेट से के ऊपर है ये नीचे जी देखा मैंने ये निकाल दिया है निकाल दिया मैंने ये क्यों ओ निकालना निकाल। ये निकालना था मम्मा इधर का ये ज्यादा ऊपर था ना चल चंगा कीता ही मम्मा ये फिर सारी जिंदगी मुझे रहन था यार ये मम्मा बस ये है हैं अगर काट देगी सो गाइस हम लोग ना फायर सिंगर करवा के तो आ गए थे तो ना रात को आके मुझसे व्लॉग नहीं बना क्योंकि मैंने कहीं जाना था मतलब कोई एक मीटिंग थी उधर जाना था तो इस वजह से ना आके व्लॉग नहीं बना आप देखो ये देखो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताओ यार मेरा दिल कर रहा है कि ये वाला बंद कर दूं और ये वाला ऐसे रहने दूं क्योंकि इसका ये देखो डिफरेंस इसका जो है ना वो कम है ठीक है और इसका जो है ना इसका ज़्यादा है मतलब कि ना ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे मैं क्या करूँ अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं बंद कर दूँ ये वाला जो है ना इसका ज़्यादा डिफरेंस है ना तो इसको निकाल दूँ और ना इसका ये जो कम है ना ये इसको रहने देती हूँ देखो ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर है अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ इतना दर्द बर्दाश्त करके मैंने ये बनवाए थे उफल्ला यार समझ नहीं आ रही और मैंने व्लॉग भी ऐड नहीं किया था आके क्योंकि तो अभी आज का व्लॉग जो है ना अभी मैंने ऐड भी नहीं किया था तो अभी का व्लॉग ऐड करते हैं
और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।